गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जो है इस पैटर्न को जो है कैसे जो है प्रोग्राम के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वी हैव देखिए बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है या मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसको हम जो है रो एंड कॉलम वाइज राइट कर लेते हैं। रो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर when we move towards row wise towards row spaces increases as the row increases, row number। तो बच्चों इस पैटर्न में रो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ जो है डेटा जो है स्पेस भी बढ़ता जा रहा है। देखिए बच्चों, वन जो है जिस स्पेस पर प्रिंट है, अगला वन जो है वन करेक्टर या वन स्पेस जो है राइट डायरेक्शन में डिस्प्ले किया गया है। फर्दर नेक्स्ट वन जो है फर्दर वन स्पेस राइट है। तो आइए बच्चों, इनके लिए पहले हम जो है दो वेरिएबल बना लेते हैं आई एंड जी, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को नेस्टेड फॉर्म में चलाएंगे। और के वेरिएबल लेते हैं बच्चों स्पेसिंग देने के लिए, रो बढ़ता जाए जितना रो आए उतना स्पेस होना चाहिए। तो आई की वैल्यू बच्चों 1 से 5 तक चलाया, उसके इनसाइड दूसरा फॉर लूप लिखा, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन आर इक्वल टू। देखिए बच्चों, यहाँ पर जितना रो है उतनी वैल्यू है, रो नंबर 2 है तो 2 वैल्यू, 3 नंबर है रो की तो 3 वैल्यू, इसलिए यहाँ पर जे लेस देन आर इक्वल टू आई लगाते हैं, क्योंकि आउटर लूप रो को रिप्रेजेंट करता है जनरली और इनर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रिंट करने से पहले बच्चों हमें स्पेस प्रोवाइड करना है। रो नंबर 1 है तो 1 स्पेस होना चाहिए, रो नंबर 2 है तो 2 स्पेस बाद प्रिंट करना है, 3 है तो 3 स्पेस बाद 3 वैल्यू प्रिंट करना है। कोड फॉर स्पेसेस तो के इक्वल टू 1, के की वैल्यू जो है 1 से चलाते हैं कहाँ तक, रो नंबर के बराबर, लेस देन आर इक्वल टू आई, के प्लस प्लस। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस लूप का यूज करके प्रिंट एफ के थ्रू हम ओनली स्पेस प्रोवाइड करते हैं। स्पेस के लिए डबल कोट्स में स्पेस बार को टाइप कर देंगे, तो जैसे ही यह लूप चलेगा स्टूडेंट्स, तो रो नंबर 1 रहेगा तो पहली बार जो है 1 स्पेस देगा, सेकेंड टाइम 2 स्पेस देगा, थर्ड टाइम 4 स्पेस, फोर्थ टाइम 4, फिफ्थ टाइम 5th स्पेस एंड सो ऑन। अब इसके बाद बच्चों लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं जे की वैल्यू, प्रिंट या परसेंट डी जी। इनर लूप को क्लोज किया स्टूडेंट्स और लाइन चेंज करने के लिए मैंने लिखा बैक स्लैश एन। इसके बाद आउटर लूप का क्लोजिंग किया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद स्टूडेंट आप मेन की क्लोजिंग कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को आप इस पैटर्न इस प्रोग्राम के थ्रू जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइए क्वेश्चन फॉर यू, एक क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन, इसमें जो स्पेसिंग है स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट था तो राइट टू लेफ्ट कम करते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सॉरी, वन टू थ्री फोर लास्ट रो है, 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों मैंने आपको लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन था उसका पैटर्न कैसे आएगा प्रोग्राम के थ्रू बताया। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप जो है सॉल्व करके हमें जो है राइट करिए कितने लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छा वीडियो लगता है तो आप ज़रूर बताएं।